खबर अकोला से है, जहां पर उद्धव ठाकरे गुटकी सुषमा आधारी ने बीजेपी और शिंदे सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि शिंदे सरकार का मकसद लोकशाही नहीं हुकुमशाही चलाना है, जिसके तहत वह सभी पार्टियों को खत्म करना चाहती है, चाहे वह कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस हो या शिवसेना। वह विरोधी विपक्ष को पूरी तरह से बर्बाद करके संसद में अपना विरोधी पक्ष नहीं रहने देना चाहती है, ताकि भाजपा का हुक्म शाही चले, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आज का कोरबा और दिल्ली चित्तौड़ में जो भाई इलेक्शन के नतीजे आए हैं, उसमें खासकर कस्बा में महाविकास अघाड़ी ने जो जीत हासिल की है, वो एक तरह से जो पिछले इतने ही सालों से बीजेपी का गढ़ माना जाता था, उस कस्बा में आज कांग्रेस के उम्मीदवार रविंद्र धर्मेकर जी चुनाव जीते हैं, और ये एक तरह से महाविकास अघाड़ी का ट्रेंड अब शुरू हो गया है, ऐसा मानने में कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी से उब चुके लोग अब महाविकास अघाड़ी के साथ चलेंगे। यह पिछले जो MLC इलेक्शन थे उसमें भी यही नतीजे सामने आए थे, और आज भी वही हुआ है। अगर बीजेपी को हराना है तो सबको एकजुट होकर एक साथ रहकर लड़ना होगा, यही इससे साबित होता है।